नमस्ते, क्या आपको पता है कि आपके नाक में दो नासिका छिद्र है और अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आपकी केवल एक ही नासिका एक्टिव होती है और एक नासिका बंद होती है। यह हमेशा नहीं होता पर ज़्यादातर वक्त ऐसा ही होता है कि हम केवल एक ही नासिका से सांस ले रहे होते हैं। इसे जानने के लिए आप अपना हाथ नासिका छिद्र के पास रखोगे तो आप उस सांस को हवा को फील कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी नॉस्ट्रिल चालू है। इसी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल के पीछे छिपा है अनुलोम विलोम प्राणायाम का रहस्य और इसी के पीछे छुपा है इसका विज्ञान। तो अच्छे से समझने के लिए हम पूरा वीडियो देखेंगे। इस बात को हम वीडियो में आगे देखेंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि हमारे शरीर में मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कई चक्र होते हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र। साथ ही कुछ नाड़ियाँ भी होती है जिनके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह बहता है। उनमें से महत्व की नाड़ियाँ हैं ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। यह सभी मेटाफिजिकल नाड़ियाँ हैं। यह सभी चक्र और नाड़ियाँ हमें दिखती नहीं है पर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वायु, हवा हमें दिखती नहीं है पर वायु का त्वचा को स्पर्श हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती नहीं है पर हम उसका उपयोग और अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही हमें नाड़ियाँ दिखती नहीं है पर इनका हमारे शरीर में अस्तित्व होता है। इन्हीं 72 करोड़ नाड़ियों का शुद्धिकरण अनुलोम विलोम प्राणायाम से संभव है। इन्हीं 7 चक्रों का जागरण और शक्ति का ऊर्ध्वगमन अनुलोम विलोम से संभव है। आध्यात्मिक शक्तियों का जगना यानी कुंडलिनी जागरण इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम से संभव है। यह तो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट मैंने आपको बताया पर ऐसे ही अनगिनत अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ इस प्राणायाम के करने से होते हैं, यह इस वीडियो में हम देखेंगे। इतना ही नहीं, इस प्राणायाम के पीछे विज्ञान क्या है पहले हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। आइए तो हम जानते हैं साइंस इस प्राणायाम का। हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। मस्तिष्क के इन दोनों हिस्सों का कार्य आपको पता होना चाहिए। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारी एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल स्किल, न्यूमेरिकल स्किल से जुड़ा होता है, जबकि हमारा राइट ब्रेन हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और इमेजिनेशन से जुड़ा होता है। इसका मतलब जिस इंसान का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वह ज़्यादा क्रिएटिव होता है और जिस इंसान का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वह ज़्यादा लॉजिकल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के दाएं राइट हिस्सों को नियंत्रित करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे शरीर के बाएं यानी लेफ्ट हिस्सों को नियंत्रित करता है। आइए अब आते हैं प्राणायाम की तरफ। ज़्यादातर इंसान जब सांस लेता है तब उसकी एक ही नासिका, एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, दूसरी बंद होती है। तो हम जिस नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरते हैं उसकी अपोजिट साइड की हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी को अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर तेजी से काम करना शुरू करता है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं तब हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर तेजी से काम करता है। इस तरह जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से बारी बारी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं तब हमारे दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, पूरा ब्रेन सक्रिय हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है, थकान, आलस, चिंता दूर हो जाती है, ब्रेन से जरूरी हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं जिससे हम डिप्रेशन से भी बाहर निकल सकते हैं। इसके पीछे का साइंस ये भी है कि डिप्रेशन वाले लोगों को नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसे विचार वाले लोगों की बाईं यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलती है। तो जैसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित करेंगे तो दोनों नॉस्ट्रिल की एक्टिविटी यूटिलाइज होती है और सभी नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन 1 महीने में ही कम हो जाएगा और 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाता है। तो इस तरह मानसिक रोगों पर जबरदस्त फायदाकारक है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम समझते हैं कि इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से कैसे दोनों ब्रेन एक्टिवेशन का काम होता है, कैसे दोनों हिस्सों को नियंत्रित करने का काम होता है। जब हम सांस भरते हैं तब ऑक्सीजन
सीधा ब्रेन में नहीं जाता। इसे अच्छे से समझिएगा। अगले 2-3 मिनट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सांस को अच्छे से समझ, जब हम सांस भरते हैं तब ऑक्सीजन सीधा ब्रेन में नहीं जाता। ऑक्सीजन पहले फेफड़ों में जाता है, फिर ब्लड रक्त से होकर हृदय, और हृदय से फिर रक्त, और रक्त से ब्रेन तक पहुंचता है। अभी अगर अनुलोम विलोम से सीधा ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचता तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो है ही। अच्छे से समझे, यह अनुलोम विलोम मस्तिष्क की एक एक्सरसाइज है, जिससे मस्तिष्क के दोनों भागों का बैलेंस किस तरह होता है समझे। जब हम बाईं लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं तब बाईं नासिका के अंदर जो सेंसिटिव पार्ट्स है, जो सेंसिटिव स्किन है, वो हमारे दाहिने राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। समझिए, ये सांस दिखती नहीं, सांस को हम फील करते हैं, स्किन पे सेंसेशन होती है। तो बाहिने नाक की सेंसेशन आपके दाहिने मस्तिष्क को तुरंत एक्टिवेट करती है। ऑक्सीजनेशन से नहीं, सेंसेशन से। ऑक्सीजनेशन से नहीं, सेंसेशन से। ऐसे ही राइट नोस्ट्रिल हमारे लेफ्ट मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है। कभी कभी जब हम कोई हमें स्पर्श करे तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या हमारे बालों में, सिर में कुछ हो जाता है, यह सेंसेशन होता है, ऑक्सीजनेशन नहीं। टच फीलिंग से, नोस्ट्रिल से ब्रेन एक्टिव होता है। हमारे नाक के अंदर की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तुरंत ही ब्रेन को बताती है। जैसे कि स्मेल, हाथ की स्किन को पता नहीं चलेगा, पर नाक की स्किन तुरंत ब्रेन तक पहुंचा देती है। इस तरह जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तब मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं रिचार्ज होती है। साथ ही गहरी सांस लेने से ऑक्सीजनेशन का फायदा तो मिलता ही है। लंबी गहरी स्लो डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजनेशन एंड सेंसेशन दोनों होते हैं। अब देखें अनुलोम विलोम का मतलब। अनुलोम यानी सांस का अनुगमन करना, सांस लेना, और विलोम मतलब छोड़ना। इसी प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की सफाई करने वाला। सभी नाड़ियों में कोई ग्रंथि ना रहे, कोई ब्लॉकेज ना रहे, और सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता रहे, यह बहुत बड़ा बेनिफिट है इस प्राणायाम का, जिसका वर्णन मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही किया था। जब हम दाईं नासिका राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी का शुद्धिकरण होता है, और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण होता है। इन दोनों नाड़ियों के जागरण से सुषुम्ना नाड़ी जागरण और कुंडलिनी जागरण होता है। साथ ही बात करते हैं इससे होते दूसरे लाभों की। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से मधुप्रमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हृदय रोग से बचने के लिए यह उत्तम है। गठिया, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन की बीमारी यह प्राणायाम दूर करे। आँखों की रोशनी के लिए उत्तम है, जिससे ऐनक भी दूर हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारी न्यूरो सिस्टम्स को ठीक करे। मस्तिष्क संबंधी सभी समस्या, तनाव, अनिद्रा में यह असरकारक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की रिकवरी भी होती है, जिससे हड्डियों के दर्द, कमर दर्द में राहत मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्किन रिलेटेड त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती है। इससे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होते हैं, सभी एनर्जी चैनल रिचार्ज होते हैं, और लकवे जैसी बीमारी, जी हाँ, पैरालिसिस को भी दूर करने में सक्षम होता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यह प्राणायाम रेकमेंड किया है। मेडिटेशन करने से पहले, ध्यान करने से पहले यह प्राणायाम करने से ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के, आप भी रोज करें और लाभ पाए। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ और उसके पीछे का विज्ञान जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दी है, वह वीडियो देखिए। योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम।